नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, थर्ड अध्याय का पहला पार्ट पूरा हो चुका है, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म में पहला गुण जो आया है वो है आपका संवृत गुण। अब संवृत गुण में हमें क्या करना है वो हम पहले तो रीड करते हैं इसे। पूर्ण संख्या के जोड़ व गुणनफल में संवृत गुण पाया जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी भाग में नहीं। मैं बताऊंगा आपको संवृत होता क्या है, ठीक है ना। संवृत को अंग्रेजी में क्लोज्ड बोला जाता है, क्लोज्ड, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यार आपको यहाँ से समझाया जाएगा कि संवृत होता क्या है। तो देखिए, संवृत नियम कहता क्या, आपको उस बात को आप ध्यान से समझ लेना। देखिए, पाँच और चार को मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है, नौ। ये तो सभी को पता है, लेकिन इसमें संवृत नियम वाली क्या बात, आप बोलोगे ये तो जोड़ है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पाँच क्या है, एक पूर्ण संख्या। चार क्या है, एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और नौ भी क्या है, एक पूर्ण संख्या यानी कि जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। दो पूर्ण संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं या फिर गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसी नियम को हम संवृत नियम कहते हैं, और यह है जोड़ और गुणा में लगता है, बाकी और भाग में नहीं लगता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। नौ और आठ सत्रह, नौ भी पूर्ण संख्या, आठ भी सत्रह संख्या, और दोनों को ऐड किया ना तो सत्रह भी एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर भी आपका संवृत नियम लगता है। आगे देखिए, छः गुणा चार चौबीस, छः पूर्ण संख्या, चार भी पूर्ण संख्या, ठीक है, और चौबीस भी पूर्ण संख्या, सत्रह पंजे पिचासी, पिचासी भी एक पूर्ण संख्या, ठीक है। अब गाइज आप यहाँ पर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पाँच माइनस चार, माइनस में अप्लाई नहीं होता है। देखिए यहाँ पे तो पाँच में से चार को मैंने घटाया, तो दोनों पाँच ही पूर्ण संख्या, चार भी पूर्ण संख्या, घटाने में मेरे पास मेरे एक, तो आप बोलोगे जी हाँ यार इसमें भी लगता है। तो आगे देखिए, सब में नहीं लगता है, माइनस में। तीन माइनस आठ, तो यहाँ पे मुझे पता है बचेगा माइनस पाँच। अब गाइज आप ध्यान से देखिए, ठीक है, अब आराम से देख लेना यार, फिर कहो, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। आप बताइए, तीन क्या पूर्ण संख्या, आठ क्या पूर्ण संख्या, ठीक है, लेकिन आप घटाओगे ना तीन में से आठ को, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो माइनस पाँच आएगा। क्या माइनस पाँच एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, माइनस पाँच एक ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो बाकी में संवृत नियम नहीं लगता है, संवृत गुण नहीं पाया जाता। आगे आ जाइए, पंद्रह में पाँच का भाग, पंद्रह पूर्ण संख्या, पाँच पूर्ण संख्या, भाग तीन वर्ग है, तीन आंसर आ रहा है आपका, तीन भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ तक तो यह रूल लगता है, आगे क्या यह लगता है वो भी आपको हम बता देते हैं। कल को आपको मानोगे मैं ये बोल दूँ कि आप पाँच में पंद्रह का दीजिए, तब एक बटे तीन यानी 0.333 वो तो पॉइंटों में आ जाएगा, पूर्ण संख्या कहाँ पे। साथ में आपने पाँच का भाग दिया, तो साथ में पाँच का हम भाग देते हैं, तो हमारा जो आंसर है 1.4 आएगा। अब आप बताइए, 1.4 यह है एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, तो इसमें संवृत नियम नहीं लगता है। इसमें भी यानी कि भाग में संवृत नियम, आठ भाग नौ, ठीक है, आठ आठ भाग नौ का मतलब क्या, आठ बटे नौ यहाँ से हम काटेंगे तो कितना आएगा, 80 में आप भाग दीजिए नौ का, ठीक है, तो 0.88 ऐसे करके चलता जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे संवृत नियम लगता है क्या? नहीं लगता है, सभी में लगना चाहिए। तो आप याद कर लेना, संवृत नियम जोड़ और गुणा में लगता है, बाकी विभाग में नहीं लगता है। क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आगे देखिए, शून्य द्वारा विभाजन, ठीक है, तो शून्य द्वारा विभाजन परिभाषित नहीं है, कैसे वो आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कि शून्य का भाग संभव नहीं है, पंद्रह भाग शून्य, पंद्रह में यदि आप शून्य का भाग दे रहे हो ना गाइस, तो आपका जो आएगा ना वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत, या फिर मैं बोल सकता हूँ परिभाषित नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब वो परिभाषित नहीं, यानी हम इसका मान निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इक्यासी बट्टे ये, तो ये भी अनंत ही मानो आप, यह भी परिभाषित नहीं है। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूँ, नोट नोट, यदि ये यही भाग इस तरीके से हो जाएगा 0/15, तो आपका आंसर यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में जैसे कि ये तो पहला था, यदि मैं सेकंड इसके अकॉर्डिंग लूँ, ठीक है, 0/81, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0/81। यानी 0 जब ऊपर होता है तो 0 हीरो होता है, नीचे होने पर 0 का क्या बन जाता है, अनंत। इन दो बातों को अपने माइंड में फिट कर लो, आगे तक काम आएगी, वरना दिक्कत बन जाएगी, ठीक है। मैथ्स में ये जो कॉन्सेप्ट आने हैं बहुतों के लिए दिक्कत बन चुका है, और दिक्कत बना हुआ है, आगे भी बनेगा, तो आपके लिए न बने, इसलिए मैंने इसे शानदार वे में एक्सप्लेन कर दिया एक बार फिर से। यदि 0 ऊपर होना 0, तो 0 हीरो होता है, फिर वह किसी को ऊपर नहीं आने। तो 0/15 यानी कि 0/15 ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका मान है वो 0 होगा। लेकिन यदि 0 नीचे आ जाए तो इसका मान क्या हो जाता है, अनंत, यानी कि परिभाषित नहीं है, हम ज्ञात इसको नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
आगे देखिए अगला क्या है, क्रम विनिमयता। क्रम आप जानते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा, ये क्रम होता है, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, ये बड़ा ये छोटा, ऐसे करके क्रम होता है। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है बदलना। क्रम विनिमयता का गुण जोड़ व गुणा में, जोड़ व गुणा में तो पाया जाता है लेकिन बाकी भाग में, जोड़ व गुणा में लागू होता है लेकिन बाकी भाग में नहीं होता। कैसे नहीं होता वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला। आप मुझे ये बताइए, पाँच और चार को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा? नौ, ठीक है। तो एक बात मेरी ये सुनिए, मैंने इनका क्रम बदल दिया, चार को पहले लिख दिया, पाँच को बाद में लिखा, अब भी मैं जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है? नौ। आप बताइए ये नौ और ये नौ दोनों बराबर है ना, तो इसमें क्रम विनिमयता का गुण लागू होता है। कैसे कि आप क्रम को चेंज करते हो फिर भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर उतना का उतना ही रहता है। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई में देख सकते हो, 5 4 20, ठीक है, इनका आप क्रम चेंज कीजिए तो 4 को पहले 5 को बाद में, यहाँ पे भी 20, यानी कि गुणा में भी यह नियम आपका लगता है, 20 20 बराबर है। तो ये आपके समझाने के लिए मैं चिन्ह वगैरह कर रहा हूँ, वरना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, 8 में 4 का भाग, यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा है, बाकी और भाग में नहीं लगता, वही मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। 8 में 4 का यदि आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक है। फिर आप इसका क्रम बदलिए, 4 भाग 8, यहाँ पर आप भाग दोगे तो आपका जो आंसर है वो 0.5 आ जाएगा। तो आप बताइए ये और ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है, तो इसमें ये रूल नहीं लगता है। कौन सा? क्रम विनिमयता का नियम भाग में नहीं लगता। आगे देखिए, माइनस में चेक करते, 8 में से 4 घटाए, कितना बचा? 4, ठीक है। आप क्रम बदलते हैं, 4 को पहले 8 को बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे आया माइनस है। क्या आप बताइए ये और ये बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं लगता है। तो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये चीज़ें आपको याद करनी है, करनी है, आपको बता दी यार, क्रम विनिमयता कितना शानदार बताया, क्रम मिसक्रम विनिमय में से बदलना, यानी आगे पीछे करना बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला है सहचारिता का गुण। तो आगे देखिए, सहचारिता का गुण जोड़ व गुणा में लागू होता है लेकिन बाकी व भाग में नहीं, तो कैसे नहीं होता है और कैसे लागू होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले वाले को देखते हैं, आप बताइए 5 और 2 कितने हो गए? 7, और 7 में 4 और ऐड करूँगा तो यहाँ से मेरा आंसर है वो 11 आ जाएगा। अब मैं यदि क्रम ये सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम ब्रेकेट आप याद रख लें, इस बार मैं ब्रेकेट में ले रहा हूँ, 5 को तो बाहर रख रहा हूँ, +2 + 4 को मैंने ब्रेकेट में ले लिया, तो इस बार भी आंसर कितना है? इस बार भी आंसर 11 ही है, ठीक है। यदि आप एक और चेंज करना चाहो, यदि ये कि मैं तैयार ये लूँगा 5 + 4 को ब्रेकेट में + 2 को बाहर, तो भी आपका आंसर 11 आ रहा है, ठीक है। तो यह है सहचारिता का नियम, यानी सह में साथ साथ रहना, सर यानी विचरण करना, रहना, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। गुणा में भी यह लगता है, तो 5 × 10 और 10 × 40, यहाँ पर आपका आंसर है, आप क्रम चेंज कीजिए, ठीक है ना। मैंने क्रम चेंज करके 2 और 4 को साथ में रख लिया, 5 को अलग से कर दिया, इनको ब्रैकेट में रख, यहाँ भी मेरा आंसर 40 है। फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, 5 और 4 को साथ में ले लूँ ब्रैकेट में गुणा में, ठीक है, ये करूँ तो भी 40 है, यानी इनमें तो लगता है ये, ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया। इसमें क्या लगता है ये देखने आइए, देखिए पहले मैंने डिवाइड किया, 8 में 2 का भाग दिया, यहाँ से आंसर आ चुका है 4, 4 में 4 का, यानी कि मेरा आंसर यहाँ से बना है 1, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ भाई, सब सीधी सीधी बात है, मैं चेंज करूँगा, ठीक है। मैं इन्हें इस तरीके से 8 भाग 2 भाग 4, ठीक है ना। तो गाइस इसको ढंग से मैनेज करना वरना हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो पहले बार वाली चीज़ को एज इट इज़ रख दिया हमने, 2/4 का मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 ही तो है, ठीक है। अब आप बताइए ये 1/2 यहाँ से आ चुका है, हमें पता है 8 गुणा, इसको हम उल्टा करेंगे, 2/1 तो हमारा जो आंसर वो 16। अब आप बताइए यहाँ पे 16, यहाँ पे एक समान है क्या? नहीं है ना, तो रूल यह है नहीं लगता है। अब बाकी में देखते हैं, क्या बाकी में यह लगता है? तो बिल्कुल नहीं लगता है, मैंने पहले ऊपर लिख दिया था, ठीक है। 8 में से 2 घटेगा, कितना आएगा आपके पास में? 6, और 6 में से 4 और घट जाएगा, यानी कि आपके पास में 2 बचेगा। अब चेंज करते हैं, ठीक है, 8 कर दिया, उसके बाद में देखना आराम से, थोड़ा सा मैनेज करते हैं यार, हल्का सा देख लेते हैं बस, ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर -2 और यहाँ पे -4, ठीक है, तो इसे हम देखते हैं यार थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, करना क्या आपको, ये यहाँ पे माइनस है बाहर, अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप करोगे कैसे, 8 का 8 रहेगा, देखिए बाहर वाला, ठीक है, बाहर माइनस है तो माइनस, अंदर वाला माइनस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 8 और माइनस माइनस प्लस, यानी 14 आ जाए। अब आप बताइए मुझे, 14 और 2 बराबर है या नहीं है ना, तो बस मैच नहीं है, बस यही मुझे आपको बताना था। अब चलते हैं आगे, आगे देखिए, योग पर गुणन का वितरण नियम क्या है वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आराम से देखिए। 4 × 7 को आप बांटते हो, 2 संख्या में बांट दो, मैंने बांट दिया 5 + 2, बस अब आराम से करो, 4 है बाहर, गुणा लगा दिया, अब 1/5 ले लो, ठीक है, फिर ये प्लस लगा दिया, ठीक है, फिर 4 है, 4 लगा लिया, गुणा लगा दिया, ठीक है, और 2 की बारी है तो 2 लगा, अब आराम से देखिए गाइस, 4 5 कितने होते हैं 20, प्लस 4 2 कितने होते हैं 8,
दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है 28 यानी कि 28, और यहाँ से अभी तो 28 ही था। यही है योग पर गुणन का वितरण नियम, यानी योग है, योग करके आपको गुणन वितरण नियम एक्सप्लेन किया मैंने। तो 5 रखिए बाहर, 9 को बांट दीजिए किसी भी रूप में, जिस रूप में आपको अच्छा लगे। मैं बांट रहा हूँ 4 + 5 में, तो मुझे पता है पहली बार मैं 5 × 4 पहले से करवा दूंगा, फिर ये प्लस लगाऊंगा, फिर 5 × तो आ ही गया, इस बार 5 की बार ये थी, 5 लिख दिया मैंने। अब देखिए 5 के कितने 20, इतने पार्ट से 20 आया प्लस का प्लस, और इस पार्ट से आ रहा 25, दोनों को ऐड करूँगा 45। ठीक है, यहाँ से अभी तो 45 था, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए तत्समक अवयव, तत्समक, तत् यानी उसी, समक यानी समान, उसी के समान अवयव। शून्य पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक होता है, कैसे? क्योंकि शून्य में यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इस कारण यह इसका तत्समक अवयव होता है। एक यानी एक, एक होता है ना वन, वन एक पूर्ण संख्या का गुणन तत्समक होता है, कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए 8 में मैंने 0 ऐड किया तो 8 आता है, तो यह है। आप बताइए अब योग में तत्समक कौन होता है शून्य, 9 में आपने 9 या 0, 4 का 4 6 का 6, क्लियर है। तो योग के लिए पूर्ण संख्याओं के योग के लिए कौन तत्समक होता है, तत्समक का मतलब उतना ही माना चाहिए जितनी वह संख्या है। तो 8 में क्या जोड़ूंगी, 8 आ जाए 0, 9 में क्या जोड़ूंगी, 9 आ जाए 0, 4 में क्या जोड़ूंगी, 0 आ जाए 4, 6 में क्या जोड़ूंगी, 6 ही आ जाए 0। ठीक है, क्लियर। अब गुणन तत्समक हमें बताना है किस संख्या को गुणा कराया जाए, दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा कराया जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो सीधी सी बात है यार, 1 7 को 1 से 7, 8 को 1 से 8, 13 को 1 से 13, और 100 को 1 से 100। ठीक है, तो गुणन के लिए तत्समक कितना होता है आपका, होता है 1। ठीक है, और जोड़ के लिए तत्समक बोले तो होता है 0, जोड़ के लिए जोड़ फॉर 0 आप याद रख लेना। ठीक है, और गुणा, गुणा के लिए कितना होता है आपका 1, ये गुणा के लिए है तत्समक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो गाइज ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। यार मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है, मैं यही चाहता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कहीं पे पीछे मुड़कर ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार हमने सीखा नहीं, हमें आता नहीं, इतना शानदार आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। पर्सन पर्सन तो आपको कोई भी करवा सकता है, आप खुद भी कर सकते हो, और यदि आप आगे चाहोगे तो क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा मेरे तरीके से, आराम से बिल्कुल एकदम समझा के, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। सीधी सी बात है, दो दो वीडियो करके एक एक चैप्टर को निपटाया जा रहा है, 3 अध्याय अभी तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाना, टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कर लेना या फिर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में ऊपर सर्च वाला ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर आप लिखना राठौड़ सर, राठौड़ सर आप लिखोगे ना तो मेरी इमेज आ जाएगी। ठीक है, और मेरी इमेज आ जाएगी तो आप उस इमेज वाले को आप ज्वाइन कर लेना बस, और क्या। या फिर यदि यह भी आपसे ना हो तो आप मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको, और ईमेल करके मुझे आप अपने नंबर दे देना, मैं आपको खुद को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।